थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का इतने शानदार वेलकम के लिए और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ आप लोग से इतनी एनर्जी मेरे को मिलती है इतना प्यार मिलता है कि आ, मेरे अंदर पता नहीं कहां से इतनी एनर्जी आती है कि मैं ये प्रोग्राम कर पाता हूँ लिटरली दोस्तों सच बात बता रहा हूँ कल रात को दो बजे हम लोग फ्री हुए हैं मैं और शिवराज जी ये टीम आत्मनिर्भर के कुछ वीडियो शूट्स की वजह से सोनीपत गए हुए थे और रात को दो बजे हम लोग पहुंचे और सारी प्रेजेंटेशन सुबह चार बजे से हम लोगों ने बनाई है और सबके पूछे मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है कि शायद आप सब लोगों का प्यार है और आप सब लोगों की एनर्जी है जो ये सब कुछ काम करती है तो वंस अगेन मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां सबसे पहले अपनी पीठ आप लोग थपथपाएंगे और एक बार क्लैप करेंगे आप लोग अपने लिए वंडरफुल बहुत ही शानदार लोग हैं आप एक बार जोरदार तालियां अपने लिए और इसी बीच में खालिद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सीधे हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर आ जाएंगे बिकॉज टाइम हमेशा थोड़ा सा शॉर्टेज रहता है बात आपसे बहुत सारी करनी होती है और आज का जो सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने देखा है अक्सर इस कारण से बहुत सारे लोग वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाते जिसके के वो हकदार होते हैं दोस्तों अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप इस बिजनेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पहलू होता है हमारे बिजनेस का और कुछ चीजें हमारी बिजनेस में या हमारी लाइफ में भी या हमारे रिलेशन में भी जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में होते हैं वैसे ही आप अपनी रियल लाइफ में होते हैं जिस तरह के रिलेशनशिप्स आपके नेटवर्क मार्केटिंग में होते हैं यानी अपनी टीम में होते हैं आप गौर फरमाइएगा ऐसे ही रिलेशन आपके आपके रिलेशन जो डे टू डे बेसिस के होते हैं और ठीक उसी तरह के जो आपके रिलेशन वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं तो अगर आपने एमएलएम एम में सब कुछ ठीक कर लिया तो मेरा ऐसा सोचना है और ये देखा भी गया है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपने करियर और अपनी फैमिली में भी अभी सारे रिलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं तो क्या वो कारण है जिनके करके रिलेशन खराब होते हैं और कैसे हम उन्हें वापस से रिवाइव कर सकते हैं रिट्रीव कर सकते हैं आज की प्रेजेंटेशन में हम लोग जानेंगे और आज की इस प्रेजेंटेशन का जो क्रेडिट है वो क्रेडिट में देना चाहूंगा आ, कुछ बुक्स को जिसमें लोक व्यवहार में कुशलता है दूसरा मैं क्रेडिट देना चाहूंगा सिद्धार्थ जी और विवेक सक्सेना जी को जिनकी ट्रेनिंग आ, मैंने अटेंड की एस बी सी और एस टी एम जहां से मैंने बहुत सारी चीजें ली हैं और मैं क्रेडिट देना चाहूंगा एक बहुत शानदार एजुकेशन सिस्टम को जिसका नाम है लैंडमार्क वहां से बहुत सारी चीजें मैंने सीखी हैं और एक शिवराज जी प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम है सोच तो बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे अलग अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स uh, का जो क्रक्स है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं और वॉइस कट हो रही है क्या मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है सभी लोगों को यस yes, क्लियर है है ठीक डन सर किसी ने मुझे कमेंट किया प्लीज अपना इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा चेंज चेक कर लीजिए तो वो सारी लर्निंग्स और वो सारी चीजें सीखने के बाद आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन शेयर की जा रही है इसमें कोई भी चीज अगर सही ना लगे तो आप अपने अपलाइन के थ्रू कम्युनिकेशन जरूर कीजिएगा तो बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए हम अगली स्लाइड के ऊपर चलेंगे दोस्तों रिलेशनशिप मैं बात करूंगा अपलाइन एंड डाउनलाइन की और ऐसा ही कुछ हमारी रियल लाइफ में भी होता है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा पांच लोग शेयर करेंगे जनरली नेटवर्क मार्केटिंग में कब आपको अच्छा नहीं लगता जैसे मुझे एक साथी ने बताया कि सर अपलाइन अगर महीने के एंड में फोन करे तो हमें बहुत बुरा लगता है है ना और दूसरा इस तरह की अलग अलग फीलिंग्स होती हैं तो मैं जानना चाहूंगा कोई भी पांच पार्टिसिपेंट आपको कौन से वो पहलू हैं अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप में जो अच्छे नहीं लगते हैं कोई भी पांच लोग शेयर करेंगे क्योंकि ये बेहद जरूरी है आप लोगों के जितने इनपुट होंगे उतने ज्यादा अच्छे से हम उन क्वेरीज को रिजोल्व कर पाएंगे और हाँ उससे पहले हम इसमें आगे बढ़े अः कुछ चीजें मुझे आपसे बोलनी है आप कोई ऐसे पांच लोगों का नाम सोच लीजिए वो आपके अपलाइन हो सकते हैं वो आपके डाउनलाइन हो सकते हैं वो आपकी फैमिली से भी हो सकते हैं वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से भी हो सकते हैं पांच नाम आप अपने पास लिख लीजिए जिनसे आप अपने, अपने, अपने रिलेशन को और अच्छा करना चाहते हैं जहां आपके रिलेशन उतने अच्छे नहीं है जैसे होने चाहिए तो वो पांच नाम आप लिखेंगे और राठौर जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अनम्यूट करेंगे कुछ दो तीन चार लोगों को और खास करके अगर नए लोग जिन्होंने बिजनेस दो तीन महीने चार महीने पहले शुरू किया है आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई मेरा अपलाइन थोड़ा सा कंजूस है वो खर्चा नहीं करता आप ये भी बोल सकते हैं मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करता आप ये भी बोल सकते हैं कि मेरी जो डाउनलाइन है वो बड़ी अनएथिकल से डिमांड करती है इस तरह की कोई भी पांच फीलिंग पांच लोग मुझे वो फीलिंग शेयर करेंगे जी राठौर जी जी पूजा राठौर जी गुड मॉर्निंग सर मॉर्निंग जी सर uh, इरिटेशन <coughs> उस टाइम होती है जब डाउनलाइन uh, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं जब हम उन्हें बोलते हैं कि uh, ये फलाना फलाना एफर्ट्स आप डालिए और हुँ. वो बोलते हैं कि नहीं हमारा काम करने का तरीका अलग है और uh, हमें आपका सपोर्ट नहीं चाहिए और उन्हें लेवल्स भी देने होते हैं तो इस टाइमिंग में uh, मैं क्या करूं इस टाइम मुझे बहुत इरिटेशन होती है जब वो मेरे कॉल रिसीव नहीं करते और जब कॉल रिसीव करते हैं तो वो मुझे यही बोलते हैं कि मैम सॉरी मैं ऑलरेडी ट्रेन हूँ। वेरी गुड बहुत बुरा फील होता है ना एग्जैक्टली सर डिसएम्पायरमेंट फील होती है जी सर फ्रस्ट्रेशन आती है जी सर परफेक्ट नेक्स्ट पार्टिसिपेंट अब्दुल राशिद जी सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी सर एक जगह समस्या आती है सर कि जब कहते हैं कि ऐसे ऐसे अपलाइन अपलाइन के अप्लायन के साथ ऐसा अपनी अपनी डाउनलाइन की कनेक्टिविटी करा दो तो उस समय जब कनेक्टिविटी कराते हैं नहीं? तो प्रॉपर ऐसा एक गाइडलाइन नहीं मिल पाती जैसे अभी एक रिसेंटली हमारा एक हमारी एक डाउनलाइन है तो अपलाइन ने ऑनलाइन ऑर्डर कराया तो प्रॉपर एड्रेस मुझे भी नहीं दिख रहा उसमें लेकिन कम से कम ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि कोई लैंडमार्क हो जिससे आज ग्यारह तारीख का भाई हमारा और गया वहां वहां पहुंचा और फिर पता नहीं बीच में वापस नहीं आया ठीक है और जो बीच में जो बीच में जो फाइनेंशियल होते हैं लेन देन वो मुझे थोड़ी तकलीफ करते हैं सर ठीक है तो कैसी फीलिंग आती है उस समय पे सर फीलिंग मुझे आती है लेकिन अपनी डाउनलाइन को मुझे बहुत संभालना पड़ता सर बहुत संभालना पड़ता मुझे और हम ऐसा उनसे क्लियर ये नहीं बोल सकते हैं कि सर उनसे बात ना करो या ऐसे नहीं करो पैसे नहीं करो मैं उन भावनाओं को जानना चाहता हूँ जब आप छटपटाते हैं अंदर ही अंदर बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते उस समय कैसा लगता है सर मजबूर होते हैं कि हम ऐसा अपनी टीम से ये नहीं कह सकते कि सर अब हमारे उनसे बात नहीं करो हमारे सीनियर से अपलायंस से बात नहीं करो या, या कुछ नहीं करो और कई बार ऐसा होता है कि उनको ऐसा हम ज्वाइनिंग के लिए देते हैं तो पता चला कि उसमें मिस्टेक हो जाती है कहीं ऐसा मिस्टेक का मैसेज तो ऐसा बहुत दिक्कतें होती है वो बहुत दिक्कतें होती हैं। एक बार मैसेज मिस्ट का मिस्टर लिख देते हैं, अब वो करेक्शन अब अब तो तो लेकिन कह नहीं सकते है सर क्या बात है दिल में दर्द बहुत सारे है अभी है? सर, आते हैं लेकिन ऐसा है गुरु की तलाश खत्म हो गई सर <laughs> कोई बात नहीं थैंक यू सो मच नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्रकाश जी सर जी जयप्रकाश जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए पहले हाँ सर ओके okay, सर ओके okay, सर ओके okay. फर्स्ट सर आई आई वुड लाइक टू थैंक यू सर फॉर वंडरफुल सेशंस वेलकम सर अब मैंने एक डाउनलाइड को आ, प्लान शो किया हम्म यस कह दिया सारा कुछ कर दिया सर सब कुछ हो गया वो एंथुजिया उसको गाड़ी भी चाहिए Hmm. काम कर रहा है मेरे साथ बट परचेज नहीं कर रहा सर उसके नीचे मैंने चार बंदे ज्वाइन उसको मैंने करा के के उसके साथ प्लान करा के, उसको बंदे करा उसको चार बंदे ज्वाइन दिए मैंने hmm. परचेज नहीं कर रहा सर गाड़ी चाहिए सब कुछ चाहिए सब कुछ वहां चलो वहां चलो वहां चलो वहां चलो चार जगह छह जगह दस जगह जाता भी है मैं परचेज कहता हूँ तो परचेज नहीं कर रहा है इस इस कंडीशन में सर बड़ा गुस्सा आता है कि हम पूरी मेहनत कर रहे हैं आपका जो काम है वो नहीं कर रहा थैंक यू वेरी मच सर वेरी गुड बहुत बढ़िया मतलब बहुत फ्रस्ट्रेशन और खुंदक आती है कि आ, हम लोगों के लिए इतना कर रहे हैं और लोग अपनी मदद के लिए कुछ नहीं करना चाहते बिल्कुल और उम्मीद है उनकी उनको गाड़ी भी चाहिए और सब कुछ चाहिए वेरी गुड अच्छा जब ऐसा कोई इंसान आपके सामने आता है और जब वो बड़ी बड़ी बातें करता है तो आपके अंदर से कैसी फीलिंग आ रही होती है मेरी फीलिंग आती है मुझे यार इसको ये सब कुछ गाड़ी चाहिए साल भर के अंदर ओडी चाहिए बीएमडब्ल्यू चाहिए लेकिन जो ऐसा काम है हमारा काम इस सारा परचेज पे है वो ये करता कर, नहीं है खुद तो स्टार्ट करे खुद एक सीढ़ी स्टेप करे तब मैं उसके साथ खुशी से जाऊं बहुत बढ़िया वेरी गुड लास्ट पार्टिसिपेंट मुझे चाहिए होगा के एस व्यास जी व्यास जी गुड मॉर्निंग सर हां जी।, जी सर गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर जी एक क्वेश्चन so, आता है एक... कि लाइन बहुत सारे डॉन ऐसे हैं वो बोलते हैं यार आप मेरे नीचे ज्वाइन ज्वाइन करा करा दो दो आप मेरे नीचे करा दो, वसरते कि वो से वर्क कर नहीं अच्छा क्या क्या सब चलो ग्रेट अच्छा वैसे ज्यादातर लोगों को जो प्रॉब्लम है ज्यादातर डाउनलाइन से लोगों को बहुत दिक्कत है अपलाइन से कम है जी। से अप, किसी का अपलाइन कंजूस नहीं है क्या किसी का अपलाइन टाइम नहीं देता क्या परफेक्ट कोई दिक्कत नहीं है तो अभी हम लोगों ने देखा लास्ट के एस राज जी का माइक ऑन जी जी चल आ, आ, एक फ्रस्ट्रेशन जब आ, तब आती है तो कॉल करते हैं उनको आ, और वो आ, जब बात होती है तो मुद्दा हमेशा कोई और और मुद्दे पे जाते हैं मतलब इधर उधर की बात लग, करने लग जाते हैं जब भी बिजनेस की बात शुरू होती है और इधर उधर की बात शुरू कर देते हैं बार बार जी सर अभी तो ये बात नहीं अभी तो मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ देखते हैं समय आने दीजिए ये तो वो और जब रिपर्चेज की बात आती है तब बोलते हैं कि अभी सारा खरीद के घर पे दुकान नहीं खोलनी है जब ये खत्म हो जाएगा तब नेक्स्ट देखेंगे तो दोबारा सुनना चाहूंगा जी खरीद के घर में दुकान नहीं खोलनी है दुकान नहीं खोलनी है वेरी गुड बहुत बढ़िया हाँ जी तब यू लगता है कि आ, जब आप हजार पंद्रह सौ रुपए का प्रोडक्ट ले रहे हैं वो खत्म कैसे नहीं हो रहा है और उससे दुकान कैसे खुल जाएगी वो तो बहुत इजी है खत्म करना तो बहुत बढ़िया परफेक्ट थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के पार्टिसिपेशन के लिए और जैसा मैंने बोला हमें पांच नाम मन के अंदर वो विजुअलाइज करने हैं या लिखने हैं जिनसे हम अपने रिलेशन को सुधारना चाहते हैं खाली जी आप वापस प्रेजेंटेशन के ऊपर आ जाइए ऐसी ही कुछ उधेड़बुन हम सब लोगों के दिमाग में चलती है जब इस बिजनेस को करते हैं और दोस्तों जितना बड़ा हमारा नेटवर्क बनता चला जाता है यानी जितनी बड़ी हमारी टीम बनती चली जाती है उतने ज्यादा लफड़े झगड़े हमारी जिंदगी में आने शुरू हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि भाई इनकम के साथ साथ जैसे जैसे चेक बढ़ रहा है ये जितने भी पंगे हमारी लाइफ में और ज्यादा तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं तो ऐसे जो साथी हैं जो डायरेक्टर और सिल्वर और गोल्ड पे पहुंच चुके हैं बहुत सारे साथियों की ये फीलिंग्स होती है क्योंकि मेरी अक्सर लगभग सभी लोगों से बातचीत होती है खालिद जी आई वुड रिक्वेस्ट आप प्लीज प्रेजेंटेशन पे आ जाए प्रेजेंटेशन शेयर मार्केटिंग में या तो फैमिली रिलेशंस में या पर्सनल रिलेशनशिप्स में सारी चीजें इसी तरीके से घटित होती हैं। पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि हमारे साथ सारी चीजें एकदम से उल्टी होनी शुरू हो जाती हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा होता प्रॉब्लम कहाँ है मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहूंगा दोस्तों जब हम इस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ गुजर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में एक उधेड़बुन चालू हो जाती है एक छोटी आवाज बोलना शुरू कर देती है और हम सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारी जिंदगी में हो क्या रहा है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती आ, कुछ इस तरह के सवाल हमारे दिमाग में आते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया वाई ही डू दिस एवरी टाइम वो हमेशा ऐसा ही क्यों करता है

डायलॉग है हमारा इंटरनल डायलॉग है जो हमारे दिमाग में चलता है देखो दूसरी जगह कितने उन, दूसरे अप्लायंस की टीम में कितनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है दूसरे डाउनलाइन कितने अच्छे हैं कितनी बात मानते हैं लोगों के अदर टीम्स आर प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट ऐसे कुछ सवाल जवाब हमारे दिमाग में घूमने शुरू हो जाते हैं दोस्त ये बड़ा पेनफुल होता है और कंफ्यूजन की स्टेट होती है हमें समझ में नहीं आ रहा होता है ये हो क्या रहा है क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है इसके साथ ही साथ इन सभी चीजों का इम्पेक्ट अगर आप अपनी लाइफ में देखेंगे इम्पैक्ट मतलब इसका असर हमारी जिंदगी पे क्या होता है आप नोटिस कीजिए हम डिसम्पावर्ड होते हैं हम चिड़चिड़े होने शुरू हो जाते हैं हम डिमोटिवेटेड रहना शुरू करते हैं हम फ्रस्ट्रेटेड रहना शुरू करते, नहीं करते एक बट एक नेगेटिव फीलिंग में हम लोग चले जाते हैं ब्लेम मोड में हम लोग चले जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ेंगे इस तरह की घटनाएं जब हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं तो यहां से शुरुआत होती है दोस्तों ब्लेम मोड की और ब्लेम मोड आ, के पीछे एक सबसे बड़ा रीजन होता है दोस्तों हम सबका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है इस पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे एक व्यक्ति को एक ही आकृति एक व्यक्ति को छह नजर आ रही है और दूसरे को नौ नजर आ रही है मेरा आप लोगों से सवाल है कि इस पिक्चर में एक ही चीज को देख करके दो लोग अलग अलग राय रखते हैं अब मैं आपसे जानना चाहता हूं गलत कौन है दोस्तों गलत कोई भी नहीं है इस व्यक्ति को ये नौ दिखाई दे रहा है इसलिए वो नौ बोल रहा है और इस व्यक्ति को ये छह दिखाई दे रहा है इसलिए ये छह बोल रहा है तो अः पॉइंट ऑफ व्यू हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें हमारे नजरिए से नजर आ रही होती है लेकिन ये गारंटी नहीं है कि दूसरे आदमी को भी वही चीज उसी तरीके से नजर आनी चाहिए और दोस्तों इसके पीछे एक बहुत बड़ा थॉट है एक बहुत बड़ी सोच है कि हमारी लाइफ में तीन मेजर इवेंट होते हैं हमारी जिंदगी में तीन घटनाएं ऐसी घटित होती है एक पांच से लेकर के दस साल के बीच में एक ग्यारह से लेकर के पंद्रह साल के बीच में और एक पंद्रह से लेकर के बाईस साल की उम्र के बीच में तीन घटनाएं हमारी जिंदगी में इस तरह की घटित होती हैं जो हमारी जिंदगी में एक नजरिया बना देती हैं और वो नजरिया अलग अलग तरह का हो सकता है जैसे कोई ऐसी घटना घटी हो जिसमें आपको लगता है कि मैं कमजोर हूं और दुनिया बहुत जालिम है मैं बहुत कमजोर हूँ और दुनिया बहुत जालिम है कई बार हमें ऐसी फीलिंग आती है कि मैं तो बहुत भोला हूं लेकिन ये दुनिया बहुत चालाक है कुछ लोगों को फीलिंग आती है कि मैं हमेशा लोगों के लिए अच्छा करता हूं और दुनिया मेरे साथ गलत करती है तो इस तरह के कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज हमारे दिमाग में बन जाते हैं और दोस्तों ये इतने डीप रूटेड होते हैं हमारे सबकॉन्शियस में इतने चले जाते हैं कि इन नजरियों से ही हम पूरी दुनिया को देखते हैं जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं बहुत भोला हूं तो उसे पूरी दुनिया मैं बहुत भोला हूं और पूरी दुनिया बहुत चालाक है तो दोस्तों पूरी जिंदगी वो दुनिया को चालाक के रूप में देखता है वो देख ही नहीं पाता उन लोगों को जो भोले भी इस दुनिया में मौजूद है तो हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो हमारे दिमाग के ऊपर एक गहरी छाप छोड़ जाती हैं और वो छाप की वजह से हमारे पॉइंट ऑफ व्यू बन जाते हैं और दोस्तों ये पॉइंट ऑफ व्यू ही बहुत बड़े लड़ाई और झगडों का कारण बनता है और इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज के बाद में एक चीज होती है जिसका नाम है इवेंट वन एंड इवेंट टू दोस्तों इवेंट वन और इवेंट टू का मतलब होता है कि कोई एक घटना घट रही होती है और हम उसके बारे में अलग से एक परसेप्शन बना के बैठ जाते हैं जैसे डाउनलाइन के बारे में मान लीजिए जैसे अभी बहुत सारे साथियों ने बोला कि जब हम डाउनलाइन को बोलते हैं फोन करते हैं कि रिपर्चेज कर लो रिपर्चेज कर लो मैं यहाँ किसी को गलत या सही साबित नहीं कर रहा हूं मैं एक लाइन बहुत कैटेगरिकली बोलना चाहता हूँ कि एवरी पर्सन इज राइट इन हिज पॉइंट ऑफ व्यू हर व्यक्ति अपने नजरिए से बिल्कुल सही है कोई भी गलत नहीं है क्योंकि हर आदमी की जिंदगी में वो सभी घटनाएं अलग अलग तरीके से घटी हैं अगर कोई आदमी कंजूस है, तो उसके पीछे कोई ना कोई जिंदगी में एक ऐसी घटना रही होगी जिसने उसे कंजूस बनाया कोई अगर आदमी बहुत बहादुर है तो उसकी जिंदगी में कोई ना कोई घटना ऐसी घटी होगी जिसके करके वो बहादुर बना कोई आदमी अगर बहुत डरपोक है तो उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा दोस्तों जिसने बहुत गहरे तरीके से प्रभाव डाला तो जब भी हमारी जिंदगी में कोई घटना घट गट रही होती है तो दूसरा इवेंट हमारे दिमाग में चल रहा होता है जैसे मान लीजिए हमने किसी डाउनलाइन को बोला कि तुम कर लो अब उसने परचेजिंग नहीं किया तो हमारे दिमाग में दूसरी तरफ एक इवेंट टू बनना शुरू हो जाता है और हम आपस में ही अपने मन में उसकी एक छवि बनाना शुरू कर देते हैं और हम उस डाउनलाइन को इन्सिबल डाउनलाइन के रूप में देखना शुरू कर देते हैं और नेक्स्ट टाइम से जब भी हम उसे मिलेंगे तो हम उसे एक इेस्पॉन्सिबल आदमी के रूप में देखना शुरू कर देते हैं और दोस्तों हम सभी लोगों ने सीखा है जाना है अट्रैक्शन का नियम हम जैसा जिसको देखते हैं और जैसा जिसके बारे में सोचते हैं उसकी वही घटनाएं हमारे सामने घटित होना शुरू हो जाती है तो दोस्तों इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में घटित होती हैं और दोस्तों यहीं से शुरू होता है सैडनेस ये हमारी जिंदगी का एक पार्ट बनना शुरू हो जाता है और हमारी जिंदगी इस तरीके से बन जाती है जैसा कि आप इमेज के अंदर देख रहे होंगे बहुत सारे लोग साथ में तो है लेकिन क्या वो साथ में है एक बार गौर कीजिए अपने नेटवर्क में उन सभी लोगों को वो टीम हमारे साथ में तो है हमारे कंप्यूटर में हमारे एप्लीकेशन में तो वो हमारे साथ में है लेकिन क्या वो हमारे साथ में है क्या हमारी वो फीलिंग्स क्या वो हमारे इमोशंस साथ में है और दोस्त ऐसा वेस्टिज बिजनेस में ही नहीं होता वो हमारी लाइफ में भी होता है कितने सारे हमारे रिलेटिव्स हैं जिनके साथ ऐसा कुछ घटित हो रहा है एक घटना ऐसी घटी जिसके करके हमने अपने उस पर्टिकुलर रिलेटिव के प्रति मन में एक ऐसा भाव बना लिया कि आगे से चाहे जो हो जाए इस आदमी की तो मैं शक्ल नहीं देखने वाला दोस्तों हस्बैंड वाइफ बच्चों में क्लोज रिलेशंस में पेरेंट्स में इस तरह की घटनाएं बहुत आम हो गई हैं। आज हमें एक दूसरे में हमने बहुत सारे को इस तरीके से बना दिया है कि हम एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते और वो सारी चीजें रिपीट होती हैं बिजनेस में 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 भी प्रोफेशन में भी भी प्रोफेशन और हमारी रियल जिंदगी दोस्तों इसका जो अगला पायदान है जब हम आगे चलते हैं यहां से तो इसके बाद की जो कहानी है वो शुरू होती है ब्लेम गेम हम एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप को गलत नहीं ठहराता हर आदमी ये हर आदमी का सोचना ऐसा होता है कि मेरी जिंदगी में अगर कुछ खराब है तो वो सामने वाले व्यक्ति की वजह से और ब्लेम गेम यही नहीं रुकता वो कन्वर्ट हो जाता है गिल्ट में जब भी आप किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा ब्लेम करेंगे और ब्लेम करने के बाद जब गिल्ट कन्वर्ट हो रहा होता है यानी हम अपने प्रति या दूसरे के प्रति घृणा करना शुरू कर देते हैं तो अगली चीज होती है हमारा कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाता है हम बातचीत करना बंद कर देते हैं और जैसे ही हमारी बातचीत बंद हो जाती है दोस्त उस रिश्ते का अंत हो जाता है हम उस व्यक्ति से बात करना बंद कर देते हैं एक बार नजर उठा के देखिए पास्ट में ऐसे कितने रिलेशन हैं जिनसे अब हमने बात करना बंद कर दिया है कितने लोग अपने भाई से आज बात नहीं करते हैं कितने लोगों ने बात करना बंद कर दिया है अपने पेरेंट्स से सिर्फ किसी एक छोटी सी बात के पीछे कितने लोग आज यहां पर भी मौजूद है जिन्होंने बात करना बंद कर दिया है अपनी अपलाइन से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बात करना बंद कर दिया है अपनी डाउनलाइन से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बात करना बंद कर दिया है अपनी क्रॉसलाइन से दोस्त इस धरती पे जो सबसे शानदार चीज है वो है रिलेशनशिप और हम इस प्रोसेस के चलते इस ट्रैप के चलते उस रिलेशनशिप को खत्म कर देते हैं और जब भी उस व्यक्ति का चेहरा या वो व्यक्ति हमारे सामने आता है एक अजीब सी नेगेटिव सिर्फ फीलिंग सिर्फ ही सोलूशन है ड्रॉप योर कंसर्स आपके जितने भी मन में डाउट है उन्हें वहीं पे छोड़ दीजिए लेकिन ऐसा संभव नहीं है दोस्त ये आसान नहीं होता है ये बहुत ही मुश्किल काम होता है इसको समझने के लिए इसके पीछे की कहानी को समझने के लिए हम एक वृतांत के बारे में बात करेंगे मैं चाहूंगा खालिद जी आप अगली स्लाइड के ऊपर आए ये सॉल्यूशन तो सिर्फ यही है लेकिन इस सॉल्यूशन तक हम पहुंचेंगे कैसे उसके बारे में समझने से पहले दोस्तों इस दुनिया की सबसे बड़ी काउंसलिंग मैं थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं किसी भी एक जाति या धर्म की सिर्फ इसे एक घटना के रूप में देखें इस दुनिया की जो सबसे बड़ी काउंसलिंग हुई थी वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की की थी दोस्त जब युद्ध हुआ महाभारत का तो अर्जुन के सामने वो सभी लोग थे जो 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 उसके थे, जो उसके उसके थे थे दोस्त गुरु थे उनको देखने के बाद अर्जुन परेशान हो गया कुछ लोगों के प्रति उसके मन में द्वेष था कुछ लोगों के प्रति उनके मन में गुस्सा था कुछ लोगों के प्रति उसके मन में, में करुणा थी कुछ लोगों की वो इज्जत करता था तो एक मिक्स एंड मैच रिव्यू था और अर्जुन पूरी तरीके से कंफ्यूज था कि मैं इन लोगों के ऊपर तीर कैसे चलाऊं मैं इन लोगों के ऊपर ये युद्ध कैसे लड़ू तब भगवान श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति की उस अर्जुन की काउंसलिंग की थी दोस्तों बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड सा ट्रेन करने के बाद इस घटना का जो क्रक्स है वो क्रक्स सिर्फ एक है कि हम अपने आप को जब तक जिंदा रखेंगे मैं जब तक हमारे बीच में रहेगी तब तक हम और कोई चीज को डेवलप नहीं कर पाएंगे यानी जब तक मेरे अंदर मैं है तो वो किसी और चीज को डेवलप नहीं होने देगी इसे हिंदी में कहते हैं हमें कर्ता कर्ता मतलब सेल्फ माई सेल्फ हमें कर्ता को खत्म करना होगा अपने आप को खत्म करना होगा तब हम किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम कर पाएंगे ये अगली स्लाइड पे बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा खालिद भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अगली स्लाइड पे चलेंगे एक ग्राफ आपको यहां नजर आ रहा होगा दोस्तों हम इमोशंस के गुलाम होते हैं और इमोशंस दो तरह की होती हैं एक पॉजिटिव इमोशंस होती हैं और एक नेगेटिव इमोशंस होती हैं नेगेटिव इमोशंस की अगर मैं बात करूं तो हेट यानी घृणा दुख शर्म रिग्रेट या डर या फिर गुस्सा या फिर गिल्ट ये कुछ नेगेटिव इमोशंस हैं जो हमें कई बार ड्राइव कर रही होती हैं और अगर वहीं पे ऊपर की तरफ देखेंगे तो कुछ पॉजिटिव इमोशंस होती हैं उनमें पॉजिटिव इमोशंस में, में आ, खुशी जॉय फेथ यानी भरोसा एम्पैथी उसके अलावा होप यानी उम्मीद प्राइड यानी अच्छा महसूस करना किसी व्यक्ति के बारे में हैप्पीनेस लव और ऐसी बहुत सारी इमोशंस है दोस्तों जो हमें खुशी की तरफ लेके जाती हैं और दोस्तों इसके बीच में जो आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा है बिगर पर्पज इन योर लाइफ और नीचे लिखा है आई माई मी यानी मैं मेरा और मेरे लिए ये दो तरह की थॉट होती है हमारी जिंदगी में अगर मैं नीचे की तरफ प्ले करूंगा यानी मैं सिर्फ अपने लिए जिंदा रहूंगा अपने लिए काम करूंगा या अपने लिए कोई भी गेम डिसाइड करूंगा तो दोस्तों हम नेगेटिव इमोशंस के शिकार हो जाते हैं आप कभी देखिए जब दो लोगों का झगड़ा हो तो उन लोगों की बातें सुनेंगे तो आपको सुनने में आएगा तूने मेरा दिल तोड़ दिया तूने मुझे बहुत बुरा भला बोला ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई तो दोस्तों जब तक हम मैं मेरा मुझे में अटके रहेंगे तब तक ये नेगेटिव इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं और वहीं अगर हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं बिगर पर्पस इन आवर लाइफ हम अपने आप को जोड़ देते हैं जिंदगी के किसी बड़े उद्देश्य से तो दोस्तों हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस फ्लो होना शुरू हो जाती हैं हम पॉजिटिव इमोशंस के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं अक्सर आपने देखा होगा जब भी हम आ, किसी बड़े पर्पज के लिए फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों ने सामूहिक रूप से किसी भंडारे का आयोजन किया होगा या इस तरह की कोई एक्टिविटी की होगी और लोग आपके लिए भरा भुरा बोलते हैं तो आप उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं आपके मन में सेवा भाव होता है प्रेम होता है आप उनकी बात को दिल से नहीं लगाते हैं और अक्सर आपने देखा होगा ये बात हम सभी लोग मैरिजेज uh, में गए हैं शादियों में गए हैं जब हम किसी लड़के की शादी में बारात में जाते हैं तो कोई गलत अगर घटना होती है तो हम उसमें करते 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 हैं ब्लेम करते हैं करते हैं ब्लेम नेगेटिविटी क्रिएट लेकिन वही शादी अगर हमारे घर में होती है हमारी बेटी की होती है और अगर पानी नहीं होता कोई ब्लेम कर रहा होता है तो दोस्त हम वो पानी उठा के उस व्यक्ति को देते हैं और उसे इग्नोर करने के लिए बोलते हैं तो दोस्त सारा गेम हमारी रिलेशनशिप का वो डिपेंड करता है स्लाइड के अंदर कि हम गेम किस तरह की खेल रहे हैं अगर हम एक छोटी गेम खेल रहे हैं मैं अपने लिए अगर कुछ करना चाहता हूं तो दोस्तों हम शिकार हो जाएंगे नेगेटिव इमोशंस का और अगर हम इस धरती पे बड़े पर्पस के लिए काम कर रहे हैं तो दोस्त हम पॉजिटिव इमोशंस को फ्लो करना शुरू कर देते हैं और शायद यही कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि तुम अभी तक मैं 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 की बातें कर रहे हो मेरा गुरु मेरा भाई मेरा चाचा मेरा मामा तो तुम नेगेटिव इमोशन के शिकार हो रहे हो यू आर नॉट हेयर फॉर योर से बात की है हर धर्म हर जाति हमें सिर्फ यही सिखाती है कि हमें अपने लिए नहीं जीना है हमें औरों के लिए जीना है और दोस्तों इस चीज को अगर हम और ज्यादा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे तो हम आगे की स्लाइड के ऊपर चलेंगे अगर हमें वाकई में कुछ बड़ा करना है मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाना चाहूंगा दोस्तों अगर हमें वाकई में कुछ बड़ा करना है तो हमें लीडरशिप के थॉट लेके आने होंगे और दोस्तों याद रखना लीडरशिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार याद कीजिए अपने बचपन के बारे में जब हम सभी लोगों ने बचपन में अपने बिस्तर को गीला किया था तो हमारे पेरेंट्स ने हमें गोद में उठा करके बिस्तर को साफ किया था और शायद कई बार वो गीले बिस्तर पे खुद सोए हैं उस समय दोस्तों पेरेंट्स के दिमाग में लीडरशिप होती है और लीडरशिप होती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास लेके आती है अक्सर हमने देखा है दोस्तों बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं जो बहुत लापरवाह होते हैं लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है और उनके घर में जब बच्चा आ जाता है तो वो रीस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो फीलिंग आ जाती है दोस्तों वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग उन्हें लीडरशिप जोन में लेके आती है दोस्त हमारी डाउनलाइन को अगर हम अपने बच्चों के रूप में देखना शुरू कर दें तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी जोन में चले जाते हैं और ऑटोमैटिक मोड में हमारी लीडरशिप निखार आना शुरू हो जाता है आप कभी भी बहस करके सही या गलत साबित करके किसी व्यक्ति का दिल नहीं जीत सकते हम सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप वैल्यूज को इंक्रीज करके रिस्पॉन्सिबिलिटी वैल्यूज को इंक्रीज करके हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं दोस्तों अगली स्लाइड पे चलेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप क्या होती है इ रेस्पेक्टिव ऑफ हमारे अपने दुख को छोड़ करके जब हम किसी के लिए काम करते हैं तो दोस्तों वो एक अलग तरह की फीलिंग होती है मैं चाहूंगा इससे रिलेटेड एक वीडियो हमारे पास है जो प्लीज प्ले करेंगे आप दोस्तों जैसा हमने इस वीडियो में देखा वो लड़की खुद भी हैंडीकैप थी <coughs> सभी लोगों ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को सीट देने से मना कर दिया था वो लड़की चाहती तो उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी शी वॉज नॉट लाइबल के वो किसी को सीट दे लेकिन चूंकि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और दोस्तों याद रखना रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी दी नहीं जाती रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ली जाती है और जैसे ही जिस दिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं लीडरशिप ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाती है आप देखिए आज बाली सर को दीपक सर को ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हमें सफल बनाने के लिए आप एक बार नजर उठा के देखिए अपने उन सभी अप्लायंस के लिए जिन्होंने कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाकर के लिए आपके लिए बिलिंग कराई कहाँ आपके लिए मीटिंग्स अरेंज करी कहा आपके लिए इनिशिएटिव लिया आप नजर उठा के देखिए अपने पेरेंट्स को अपने माता पिता को वो कौन कौन से दिन थे जब उन्होंने सेक्रीफाइस किया अपने सपनों का हमारे और आपके सपनों के लिए दोस्तों ये वो चीजें हैं जब कोई भी व्यक्ति हमारे लिए करता है तो हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में उस व्यक्ति के प्रति एक अलग तरह की छवि बन जाती है हम उसे एक लीडर के रूप में देखना शुरू कर देते हैं और दोस्तों हमें जो चाहिए वो हमें दुनिया को देना होगा अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें लीडर माने, तो लीडरशिप के लिए बोलने की जरूरत नहीं है आप जितना बड़ा लीडर बनना चाहते हैं या मैं, हम लोग जितना बड़ा लीडर बनना चाहते हैं हमें उतनी ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के साथ दोस्तों कुछ एक चीजें हैं जो इसे और बड़ा बना देती हैं देखिए दोस्तों रिलेशन सिर्फ वहां अच्छे रहेंगे जहां लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व होगी और साथ ही साथ कुछ चीजें हैं जैसे ग्रेटिट्यूड की भावना दोस्तों ये कमाल की चीज है ये बहुत ही शानदार कमाल की चीज है हम जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड यानी धन्यवाद देंगे वो चाहे हमारे पेरेंट्स हो वो चाहे हमारे भाई हो वो चाहे हमारे अपलाइन हो वो कोई भी हो हमारी जिंदगी में जिसने कभी भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है अगर हम उसके प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना रखेंगे ये हमें और ज्यादा पावरफुल लीडरशिप की तरफ लेके जाएगा दोस्तों हमें हर समय कृतज्ञ रहना है धन्यवाद देना है ऊपर वाले का हमें हमेशा कृतज्ञ रहना है धन्यवाद देना है अपने पेरेंट्स का हमें, हमें हमेशा धन्यवाद देना है कृतज्ञ रहना है अपने अप्लायंस का हमें हमेशा कृतज्ञ रहना है हर उस चीज का जो हमारे आसपास जुड़ी हुई है हमारा शरीर हमारा मन हमारा दिल हमारा ईच एंड ंग हर वो चीज जो आपके इर्द गिर्द है जो आपको आपके बड़े पर्पज की तरफ ले जाने में मदद करती है जिस दिन आप धन्यवाद देना शुरू कर दोगे दोस्तों ये एक ऊपर वाले की ऊपर वाले का कुछ नियामत है कि आप जिस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे वो चीज मल्टीप्लाई होके आपके पास और ज्यादा आएगी तो जब भी आपको मौका मिले ग्रेटिट्यूड की भावना रखिए और धन्यवाद दीजिए और कृतज्ञता जाहिर कीजिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज आप सभी लोग अपने पेरेंट्स को अपने रिलेटिव्स को और अपने को धन्यवाद जरूर बोलेंगे और अगर आपके आसपास हैं तो आप उनको गले मिलके धन्यवाद बोलेंगे दोस्तों जब भी मिले हमें हमेशा उनको धन्यवाद बोलना है इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज है दोस्तों जिसे हम बोलते हैं माफ करना माफ करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है दोस्तों Uh, अगर आप डीप रूटेडली देखेंगे सबकॉन्शियस माइंड में हमारा शरीर भी माफ करता है हम गलती से जब अपने शरीर पे कोई चोट मार लेते हैं तो हमारा शरीर उस चोट को माफ करता है और उसे हील करना शुरू कर देता है यानी उसे ठीक करना शुरू कर देता है दोस्त आप ध्यान से देखिए जितने लोगों को आपने माफ किया वो आपके अपने बन गए और यहाँ पे एक बहुत जरूरी चीज है दोस्तों सबसे पहले हमें अपने आप को माफ करना है बहुत सारे लोगों से कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसके लिए वो अपने आप को दोषी ठहराते हैं और हमेशा सिर्फ उस गलती के बारे में सोचते रहते हैं और गिल्ट का शिकार बन जाते हैं दोस्तों कभी भी गिल्ट का शिकार नहीं बनना है गलती हुई अपने आप को माफ कीजिए और जिसका जिसके ऊपर इंपेक्ट पड़ा उससे सॉरी बोलिए और सॉरी बोलने के बाद में आगे बढ़िए दोस्तों दुनिया को माफ बाद में करना है सबसे पहले अपने आप को माफ करना है और बेशक से किसी ने आपके साथ गलत भी किया है दोस्त अगर हम माफ नहीं कर रहे हैं हम कोई द्वेष अपने मन में रखे हुए हैं तो ये बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे एक जहर हम अपने मन में या हृदय में लेके घूमे कहीं ना कहीं डिसम्पार्ट तो हम भी होते हैं मैंने अक्सर ये देखा है जब से मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू की है हर सेकंड पे हर क्षण माफ करना शुरू कीजिए लोगों को और जब आप माफ करते हैं तो उसी इंसान के अंदर आपको एक नया इंसान नजर आना शुरू हो जाता है दोस्तों ये कमाल की एक्सरसाइज है और आप Uh, एक किताब है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड जिसको हिंदी में बोलते हैं आपके अवचेतन मन की शक्ति और इस तरह की ट्रेनिंग्स आप अटेंड करेंगे क्योंकि एक घंटे के अंदर हम बहुत ज्यादा डिटेल्ड एक्सरसाइज नहीं करा सकते ये बुक्स आप जब पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको पता लगेगा कि साइकोलॉजिकली माफ करने के बाद हम कितना हल्का महसूस करते हैं और हम कितने पावरफुल हो जाते हैं दोस्तों माफ वो कर सकता है जो महान है जो महान नहीं है वो माफ नहीं कर सकता तो माफ करना सीखें। इसके अलावा एडिफिकेशन दोस्तों एडिफिकेशन एक अलग तरह का शब्द है आपको याद होगा एक पुराना वाक्य है रामायण का जब जामवंत एक हुआ करते थे जिन्हें हनुमान जी को याद दिलाया था कि तुम कितने पावरफुल हो बचपन में तुमने सूर्य को निगल लिया था तुम इतना बड़ा काम कर सकते हो और उस दिन हनुमान जी को अपनी शक्तियों का एहसास हुआ था तो दोस्तों ठीक इसी तरीके से हमें किसी ना किसी हनुमान के लिए जामवंत बनना है हमें किसी ना किसी ना व्यक्ति को आ, एडिफाई करके मोटिवेट करना है हमारे शब्दों के अंदर वो ताकत है दोस्तों हमारे शब्द किसी की जान भी ले सकते हैं और वही हमारे शब्द किसी की जिंदगी में कुछ बड़ा महान काम भी कर सकते हैं तो दोस्तों हमेशा एडिफाई कीजिए यानी अच्छा अच्छा बोलिए और अच्छा-अच्छा बोलने का मतलब ही नहीं कि झूठी दोस्तों अच्छा तो दोस्तो, जब आप किसी के बारे में कुछ अच्छी चीज शेयर करते हैं मान लीजिए किसी की मुस्कुराहट बहुत अच्छी है मान लीजिए किसी का नेचर बहुत अच्छा है मान लीजिए कोई खाना बहुत अच्छा बनाता है मान लीजिए कोई केयरिंग बहुत अच्छा करता है और सच में जो ऐसा वो व्यक्ति करता हो आप उसकी तारीफ कीजिए और ऐसा करके आप फ्यूचर से फ्यूचर अनफोल्ड करते हैं आप एक बड़ी कहानी लिखते हैं दोस्तों कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो डिसम्पावर्ड हो डिसम्पावरिंग होते हैं हम एक अच्छे खासे इंसान को जिंदा रहते हुए मार सकते हैं लेकिन अगर हम एडिफिकेशन करना सीख लें हम लोगों की तारीफ करना सीख लें हम लोगों की खूबी के बारे में पहचान कर लोगों को उनके बारे में बताना शुरू कर दें तो दोस्त आप बहुत बड़ा चमत्कार कर सकते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में ये हमें सीखना होगा क्योंकि एज अ अपलाइन हमें अपनी पूरी टीम का एडिफिकेशन करना है एज अ इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर हमें अपनी कंपनी अपने अपलाइन को एडिफाई करना है ये एडिफिकेशन एक बहुत पावरफुल चीज है जो आपकी लीडरशिप में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इसके अलावा लर्न हाउ टू इग्नोर दोस्तों मैं अभी रतन टाटा का एक uh, एक लेख पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं जब आप सफल होते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपकी टांग खिंचाई करते हैं आपको भला बुरा बोलते हैं आपको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं दोस्तों ऐसे समय में आपको सिर्फ एक ही चीज सीखनी है और वो है इग्नोरेंस आपको इग्नोर करना सीखना होगा हर सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता और ना देना चाहिए और कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है और कुछ सवालों के जवाब आपकी सफलता देगी जब भी लोग आपके ऊपर उंगली उठाएं तो सीखें उन्हें इग्नोर करना जब कोई बुराई करे तो दुखी मत हो और जब कोई तारीफ करे तो जरूरत से ज्यादा ओवर एक्साइटेड ना हो क्योंकि ओवर एक्साइटमेंट हमेशा आपको ईगो की तरफ लेके जाता है सेवा भाव में बने रहें बड़े पर्पस की तरफ फोकस रहें इसके अलावा पॉजिटिव थिंकिंग दोस्तों हमें हमेशा हर घटना के अंदर पॉजिटिव सोचना है बहुत सारे लोगों को याद होगा मैंने एक पिछले कुछ सेशंस में एक घटना शेयर की थी एक घोड़े और एक बनिए की जब बनिए को घोड़ा मरा हुआ मिलता है तो वो उसमें भी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी ढूंढकर उस इवेंट को अपने लिए प्रॉफिटेबल बना लेता है दोस्तों इसके साथ ही साथ हमें होपफुल रहना है उम्मीद हमेशा कायम रखनी है दोस्तों उम्मीद ही एक ऐसी चीज है जिसने दुनिया में आज तक बहुत बड़े-बड़े चमत्कार हासिल किए हैं और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फेथ दोस्तों भरोसा हम सब लोग जानते हैं फेथ मतलब होप uh, और फेथ में एक जरा सा बारीक अंतर होता है होप में हमें कम होता है यकीन मानिए जहां पे भी जिस रिलेशन में भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाते रहेंगे वहां आपकी लीडरशिप प्रूव होती रहेगी और वो रिलेशनशिप हमेशा इंप्रूव होती रहेगी आप एक बार नजर उठा के देखिए अपने बच्चों के प्रति क्या बच्चे गलतियां नहीं करते कितने बार बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता तो हम सिर्फ और सिर्फ उनको इग्नोर करते हैं आप देखिए अपने उन छोटे छोटे बच्चों बच्चों को को या बड़े बच्चों को। अगर हम इग्नोर कर देते हैं और उनकी अच्छी चीजों को देखते हैं और केयरिंग एटीट्यूड रखते हैं तो दोस्तों वहां हमारी लीडरशिप प्रूव होनी शुरू हो जाती है और वहीं अगर हम किसी बात को अपने दिल से लगा लेते हैं या कुछ चीजों के ऊपर अटक जाते हैं तो वहीं वो रिलेशनशिप हमारी खराब होनी शुरू हो जाती है दोस्तों आ... हमें हमेशा इग्नोर करना सीखना है और अपने बच्चों के प्रति अपने डाउनलाइन के प्रति और मैं कहूंगा हर उस व्यक्ति के प्रति जो आज आपके साथ है और ना हमें हमेशा हमें हमेशा बल्कि सिर्फ हमारी लाइफ में जितने भी हमारे आ, ऐसे लोग हैं है जो हमसे छोटे हैं जिनको हम प्रेम करना चाहते हैं जिनके लिए हम कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं हम हमेशा ये सॉन्ग उनके लिए सुनेंगे और दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में सही अपलाइन डाउनलाइन रिलेशन की अगर मैं व्याख्या करूं तो सिंपल एक लाइन में हम बोल सकते हैं हमें इस तरीके से बिहेव करना चाहिए हमें तरीके से रहना चाहिए कि हमारे जो अपलाइन वो हमें प्यार करें और जो हमारे, है, हमारे, है, हमारे, है, हमारे पेरेंट्स हैं जो हमारी मैनेजमेंट है मैं एक सॉन्ग उन लोगों के लिए डेडिकेट करना दोस्तों एक कोर्ट मैंने एक बहुत अच्छी किताब के अंदर पढ़ा था अगर हमारा सिर और हमारे हाथ झुकने के लिए तैयार है आशीर्वाद लेने के लिए तैयार है तो अनायास ही हमारे अपलाइन हमारे पेरेंट्स के हाथ हमारे सर पे आ जाते हैं और वो पावरफुल ब्लेसिंग्स हमें मिलने शुरू हो जाती हैं दोस्तों सबसे पहली चीज तो आज आप सभी लोगों के सामने मैं फिर से डिक्लेयर करता हूं मैं बहुत कृतज्ञ हूं अपने अपलाइन मिस्टर विवेक सक्सेना जी का मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जी का मैनेजमेंट का अपने पेरेंट्स का और उन सभी बड़ों का उन सभी गुरुजनों का जिनकी वजह से मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हुआ और दोस्तों मैं आज अपनी जितने भी टीम के साथी हैं अगर पास्ट में कोई भी गलती हुई हो मुझसे या उनसे या किसी से भी या किसी कंफ्यूजन की वजह से तो आज से मैं अपने दिल के सारे ग्रीजेस डिलीट करता हूं मैं आज से जीरो से दोबारा से हर रिलेशनशिप को सुधारने के लिए बिल्कुल तैयार हूं क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूं मेरा उद्देश्य सिर्फ इस बिजनेस के अंदर बीइंग इन सर्विस रहना है मेरा उद्देश्य सिर्फ इस बिजनेस के अंदर लोगों की ग्रोथ के लिए काम करना है और ऐसा करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन भी है क्योंकि मुझे ब्लेसिंग्स मिली हैं अपने अपलाइन की अपने मैनेजमेंट की अपने पेरेंट्स की दोस्तों आज उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से मैं जो भी हूं उनी का आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद को जितना मैं मल्टीप्लाई करके मैं अपने साथियों के साथ लौटा पाऊंगा मैं शायद इस जन्म में उतना नहीं कर पाऊंगा तो मैं हमेशा तैयार हूँ आप सभी लोगों की मदद के लिए और मैं किसी भी तरह का कोई ग्रेजेस आज के बाद नहीं रखूंगा कोई भी गलती हो जाए मैं सारे लोगों को वो एक्सेस देता हूं और आ, मैं उनको वो स्पेस प्रोवाइड कराता हूं कि अगर कोई भी चीज ऐसी हो जाए जो हमें एक दूसरे के प्रति गलत लगे तो आपके पास पूरे अधिकार है आप उनको बोल सकते हैं हम डिस्कस कर सकते हैं हम बात कर सकते हैं क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है और ये जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों अभी बहुत सारे लोगों के लिए कुछ बहुत बड़ा करना है हम ना अटके और दोस्तों ऐसी एक शख्सियत आज हमारे बीच में है एक बार राठौर जी जरा चेक कर लीजिए रेहान भाई शायद हमारे बीच में है रेहान खान जी खालिद भाई एक बार चेक करेंगे अगर है तो प्लीज मुझे बताएं। yes, वेरी गुड yes, दोस्तों मैंने जितनी चीजें आपको आज बताई जो ट्रेनिंग्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की ये इत्तेफाक है कि ऐसे एक शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है जो इन्हें बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप जितने लोग भी रेहान भाई को जानते हैं उन्हें पहले से जानते हैं उनके चेहरे पे हमेशा हर विपरीत परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ एक चीज रहती है जिसका नाम है मुस्कुराहट कोई उन्हें कुछ भी बोल देता है वो प्यार से उसे इग्नोर करते हैं और हर आदमी को गले लगाने के लिए तैयार रहते हैं बड़े इतफाक की बात है आज रेहान भाई हमारे बीच में है तो थैंक यू सो मच रेहान भाई मैं चाहूंगा दो मिनट या तीन मिनट या जितना समय आप लेना चाहें आपके लिए तो सब कुछ अवेलेबल है आप जितने भी इस समय लोग मीटिंग में मौजूद है आप अपने बारे में शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर बींग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ ओवर टू रेहान भाई सर रेहान जी को आप अनम्यूट कर दीजिए अनम्यूट है सर रेहान भाई आप अनम्यूट हैं शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है उनके पास राजीव भाई कोई दूसरा नाम रेहान जी का माइक अनम्यूट नहीं है रेहान जी को माइक अनम्यूट करना पड़ेगा पहले और दो रेहान खान है या रेहान ओके okay. मैंने दोनों को अनम्यूट कर रहे हैं। वॉइस uh, आ रही है क्या हाँ मेरी वॉइस आ रही है आपको हेलो यस आ रही है आ रही ओके ओके गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू अभी राजीव जी ने जैसा जैसा सेशन दिया बाकी मैं आज मेरा फर्स्ट डे था तो भी मैं मेडिटेशन का क्या रहा था तो मैंने मैसेज देखा उसके बाद मैंने इसको ज्वाइन uh, हुआ वाकई आज सेशन देख के बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और मैं ये सर जरूर कहना चाहूंगा कि आके आज मेरी लाइफ के अंदर अगर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कहीं है तो मेरे सर जी पार्टनर का पा है और उसके अंदर खासा राजीव जी तो मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स कहना चाहूंगा कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे लाइफ के अंदर सिखाई है और बहुत सारी जब भी भी लाइफ के अंदर कोई चैलेंज आया कुछ भी आया तो मेरी पहली प्रायरटी अगर कहीं रहती है तो कहीं ना कहीं हम दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं और मैं उनसे शेयर करना चाहता हूँ सभी चीज़ों को और मैंने एक बहुत अच्छी बात कही थी ग्रैटिट्यूड तो लाइफ में एक मैंने इस चीज़ को समझा है कि वाकई में लाइफ में जो ग्रैटिट्यूड्यूड जो है वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और ज़िंदगी में हमें हमेशा हमें हर किसी का आभार प्रकट करना चाहिए और ये हमें लाइफ के अंदर बहुत आगे लेके जाता है मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आए जिंदगी की शुरुआत में अगर मैं देखूंगा तो बहुत बहुत बड़े चैलेंज थे और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो चैलेंज होता गया लेकिन उसके अंदर एक चीज़ थी कि जैसे मैं कभी भी किसी परिस्थिति में कभी विचलित नहीं होता हूँ बड़ा से बड़ा नुकसान अगर हो जाए तो वन टाइम के लिए थोड़ा सा एक बार होता है लेकिन सेकेंड टाइम के अंदर फिर मैं भूल जाता हूँ उसको तो इग्नोर कर देता हूँ एक चीज बहुत सारे टॉपिक के देख दिया था उसके अंदर इग्नोरेंस ये इग्नोर अगर किन चीज़ों को हमको करना है और किन चीजों को फोकस करना है तो इग्नोर अगर हम बहुत सारी चीज़ों को जैसे देखते हैं कि लाइफ के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटीज आती है और उन नेगेटिविटीज को अगर हम इग्नोर करना सीखें ठीक है ना तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता है और लाइफ में मैं कह सकता हूँ आज जो भी कुछ हूँ मैं मेरे जो पार्टनर्स हैं ग्रोरीज एसोसिएट से इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इन चारों लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और क्योंकि ये चारों लोग बहुत यूनिक हैं और ये एक यूनिकनेस का कारण यह है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज मिला है तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें मैंने अडॉप्ट की है चाहे वो मान साहब हैं चाहे राजीव जी हैं चाहे वह गरीब जी हैं चाहे वो रिजवान जी हैं हमेशा मैं इन चारों लोगों से कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ और मेरी जिंदगी में जो कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है तो सही मायने में इन चारों लोगों का बहुत बड़ा है मेरे पेरेंट्स के बाद में मेरे टीचर्स के बाद में अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर मेरी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आज जो भी कुछ मैं हूँ मैं वक्त इन लोगों की देन की वजह से हूँ और मैं कहूँगा तो कि जितने भी लोग मेरे साथी यहाँ पर आए हैं और आज जो भी इस प्रोग्राम को जिन लोगों ने अटेंड किया है जो भी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं सही मायने में अगर हम इसको फॉलो करते हैं और मैं अपनी लाइफ के अंदर इसको बिल्कुल उतारने की कोशिश करूंगा पूरी अपनी तरफ से अपनी तरफ से और राजीव जी को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा वन सेकेंड तो क्या बहुत सारी चीज़ों को आज उन्होंने फिर मुझे याद दिलाया है कि मुझे उनको करना चाहिए कंटिन्यू करना लोगों से हमारे बीच में एक शानदार पर्सनैलिटी और है बहुत सारे लोगों की मेरी रिक्वेस्ट थी कि लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं हमारे बीच में राजू गुप्ता जी भी मौजूद हैं आज पूरे हिंदुस्तान में राजू गुप्ता जी को लोग जानते हैं वो उन्हें जानते हैं हमेशा इस नजरिए से कि वो एक अनपढ़ इंसान होते हुए भी वेस्टीज में आज इतने सक्सेसफुल हैं और दोस्तों जितनी भी चीजें आज मैंने ट्रेनिंग में बताई राजू गुप्ता जी की एक बहुत शानदार खासियत जो मुझे हमेशा नजर आती है कि वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं वो हमेशा बींग इन सर्विस रहते हैं फॉरन टूर पे जब भी हम लोग फॉरेन टूर पे जाते हैं तो राजू गुप्ता जी कभी हमारे लिए फ्रूट्स लेकर आते हैं कभी कुछ लेके आते हैं और दोस्तों यही कुछ अदाएं हैं इनकी जो पूरी दुनिया को इनका दीवाना बनाती है तो मैं चाहूंगा दो मिनट राजू गुप्ता जी भी अपनी शेयरिंग प्लीज करें राठौर रा, राजू गुप्ता जी को अनम्यूट कर दीजिए जी, जी अनम्यूट है सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आज तो जहर घोल दिया पूरा <laughs> बहुत बढ़िया लगा सर आज मैं मैं भी आज पहली बार ही मैं आज बैठ पाया नहीं तो मैं खेलने चला जाता था इस टाइम और मेरा नाम राजू गुप्ता है वैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ लेकिन रहने वाला बिहार से हूँ आज राजीव सर और गिरी सर सर रेहान सर रिजवान सर आज इन लोगों का प्यार मुझे बहुत मिला और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मजा आता है आज इस बिजनेस में जबरदस्त आज हाईएस्ट इनकम चार लाख पिचासी हजार है और मैं यहाँ से दो गाड़ी ले पाया ऑडी और, और साथ कंट्री सर के साथ घूमने का मौका मिला और ये सब कुछ हो पाया आज जो भी मानी की अपलाइन है सबका मैं धन्यवाद दूंगा चाहे मेरे को जिसने भी फंसाया इस बिजनेस में उसके लिए भी धन्यवाद और उन्होंने फंसाया लेकिन आज मैं बहुत कुछ सीख पाया राजीव सर से गिरी सर से मैं हमेशा संजय सर के साथ में टच में रहता हूँ और कुछ भी होता है कभी भी मैं फोन करता हूँ इनको और सब कुछ हो पाया सर आप लोगों की वजह से मैं धन्यवाद दूंगा सर आज मैं अपलाइन डाउनलाइन सबका धन्यवाद दूंगा सर ठीक है अरे जीवन है हंसते रहो मुस्कुराते रहो और बस बहुत सारे लोगों ने मेरा भी मजाक सर उड़ाए थे बहुत सारे लोगों ने लेकिन आज मैं इस लॉकडाउन में सात लाख रुपया आठ लाख रुपया मैं कमा पाया यहां से और ये सब कुछ हो पाया सर सर you, सर आप लोगों की वजह से थैंक यू धन्यवाद वेलकम राजू राजू जी जी और मैं के बारे में जितना बताऊं उतना कम है जिस विदेश यात्रा पे राजू जी नहीं जाते उस विदेश यात्रा में हमारा जाने का मन नहीं करता इतने केयरिंग नेचर के हैं हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और दोस्तों हमें जिंदगी में अपनी छाप इसी तरह की बनानी चाहिए जो लोग आपके ना होने पर आपको याद करें थैंक यू सो मच राजू गुप्ता जी और लास्ट में आप लोगों से एक अपील है हम सभी के चहेते राजकुमार गिरी जी उनके भाई के साथ थोड़ा सा चैलेंज हो गया है तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा वो काफी मतलब थोड़ी सी तबीयत उनकी ज्यादा खराब हो गई है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज प्रेफ और गिरिजी के जो बड़े भाई हैं हमारे भी बड़े भाई हैं हम सभी लोग उनके लिए प्रेयर करेंगे वो जल्दी से ठीक हो क्योंकि अभी मेरी कल गिरिजी से जब बात हुई थी तो वो बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे तो आप सभी लोगों का प्रेयर्स आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए और अभी आ, रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी फोन ना करें क्योंकि फोन कॉल्स बहुत ज्यादा जा रहे हैं बस रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपनी ब्लेसिंग्स भाई साहब को दें जिससे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो एंड थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए और कल